52 साल की बल की यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो $2.5 ट्रिलियन तक की हमारी अर्थतंत्र की विकास यात्रा में एक मौन कर्मयोगी की तरह CIFS ने अपना योगदान दिया है। मित्रों, कोविड महामारी के दौरान भी वंदे मातरम कार्यक्रम में जब दुनिया भर से भारतीय वापिस आ रहे थे उस वक्त हर एयरपोर्ट पर CIFS का जमात बड़ी विनम्रता के साथ, विनय के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ वापिस आ रहे अपने ही देश के भाइयों बहनों का स्वागत भी करता था, रिस्क भी उठाता था, संक्रमित हुआ और उसने अपनी जान भी गंवाई। और ये ड्यूटी के दौरान जिन जिन लोगों ने, चाहे वो वंदे मातरम कार्यक्रम के फ्रंटलाइनर वर्कर के रूप में हो, चाहे इस देश के औद्योगिक उत्पादन को निर्बाध तरीके से चलने के लिए, चलते रखने के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो सभी को मैं मन से, पूरे बल की ओर से और पूरे देश की ओर से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज भी ऑपरेशन गंगा चल रहा है। मैं ऑपरेशन गंगा के जितने भी दृश्य देखता हूं उसमें मेरे CIFS के जवान को जरूर ढूंढता हूं। विनम्रता के साथ चेहरे पर आनंद की लकीरें लिए हुए वो जवान यूक्रेन में फंसे हुए अपने नागरिकों को आते हुए दिखता है और संतुष्टि का अनुभव करता है।